हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी, जिसे आप पनीर बटर मसाला, पनीर लबाबदार, काजू पनीर मसाला, काजू करी एंड पनीर मटर, हर इन सब करी में आप इस ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सबसे पहले हमने एक पैन गर्म किया है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इस ग्रेवी को आप लोग 1 वीक तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने एक पैन में तेल गरम किया, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा, जीरा के भुनने तक हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले लाइक क्लॉव। ये मैं बना ली हूँ ऑनली फॉर अभी, एक बार तो मैं ये जो बनाने जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे शाम को अगर पनीर की ग्रेवी बनानी है तो इसलिए मैं आपको ग्रेवी दिखा रही हूँ। ये आप ज़्यादा क्वांटिटी बना के एक इलायची डाल रही हूँ मैं, और एक टुकड़ा दालचीनी का। खड़े मसाले में मैंने डाला है लौंग, दालचीनी और इलायची, जीरा आप जैसे कि देख सकते हैं कि ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज मेरा भी चॉप किया है, प्याज को हम डालेंगे। थोड़ा 9 मिनट तक हमें भूनना है। प्याज को लाइट ब्राउन होने में कुछ बस 1 मिनट जितना ही टाइम लगेगा, उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। गाले का पेस्ट ऐड करके इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अभी इसे हमें थोड़ा और बस 10 से 12 सेकंड तक थोड़ा हल्का सा भूना है, ताकि जो अदरक का जो कच्चा स्मेल होता है वो चला जाए। हमारा अदरक और लहसुन भून चुका है। अब इसमें हम कुछ 5 से 6 काजू ऐड करेंगे। आप इसके साथ में, अगर आप कैशू नट कम यूज़ कर रहे हो तो आप साथ में तरबूज का जो बीज होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये खाली इसलिए कि ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी अच्छी थिक और क्रीमीनेस आए, उसके लिए हम ये ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको फ्रिज में मीन्स जो फ्रीजर ऊपर होता है वहाँ पर आप 1 वीक तक मोस्ट ऑफ स्टोर करके इसकी अलग अलग तरीके से रेस्टोरेंट का जो भी मटर पनीर है बताया मैंने, पनीर लबाबदार, पनीर मटर कढ़ाई पनीर, सब में इस काजू पनीर इस ग्रेवी का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और जो चिकन टिक्का मसाला होता है उसमें भी बस यही ग्रेवी में आप जो चिकन टिक्का है वो डाल के और चिकन टिक्का मसाला भी बना सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आई होप थोड़ी कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं और इस ग्रेवी से मैं आज शाम को पनीर लबाबदार बनाने जा रही हूँ, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटो। टमाटो भी मैंने रफली चॉप किए हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है ग्रेवी में क्या जितना प्याज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टमाटो जो है वो डबल होना चाहिए। यही इस ग्रेवी में आपको मेन ध्यान रखना है कि अगर आपने एक प्याज लिया है तो उसके अकॉर्डिंग टमाटर जो है वो आपको 2 लेने, तभी आपकी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो सही आएगा। अभी इसे थोड़ा जल्दी से सॉफ्ट होने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे नमक, टेस्ट के अनुसार जो भी है थोड़ा। मैंने अभी 1 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड किया है।
इसे हम अभी 2 से 3 मिनट तक ढककर रखेंगे ताकि टमाटर जो है वो अपना थोड़ा पानी छोड़े और ये जो हमारा है थोड़ा सॉफ्ट और मशी हो जाए निकलेगी। ढक के हमें 2 से 3 मिनट तक इसे रखना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, हल्का सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। अभी हमें इसमें मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। ध्यान रखिए मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं यूज़ कर रही अभी। कश्मीरी लाल मिर्ची हम जब ग्रेवी बना जब हमारी करी बनाएंगे तो उस टाइम पर हम डालेंगे। ये जो टेस्ट के अकॉर्डिंग है मैं जस्ट रेड चिली पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर मीन्स धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाला है मैंने। अच्छे से मिला देंगे हम और बस अभी यूँ ही आपको इसमें पानी नहीं डालना। अगर आपको स्टोर करके रखना है तो प्लीज़ आप पानी मत डालिएगा। अगर आपको 1 वीक तक इसे स्टोर करना है तो आप इसमें पानी बिना डाले इसे ऐसे ही अच्छे से टमाटर से चटनी की तरह सब होता है तब तक इसे पकने देना है और उसके बाद हमें गैस बंद करके इसको ठंडा करके पीसना है। हम इसे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे अच्छे से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। देखिए बस यही है। मैं अभी क्या है मुझे शाम को ही बनाना है करके मैं इसे इसी स्टेज में ऑफ कर दूंगी और मैं अभी इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करके चीज़ में इसे उबाल के, मतलब मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए अभी शाम को तो मैं कर सकती हूँ। अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप इसे पानी मत ऐड कीजिएगा डायरेक्ट, बस इसको जब ठंडा हो जाए तो आप इसे मिक्सी में पीस के अच्छे से महीन पीस के आप इस ग्रेवी को फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा। देखिए अच्छे से हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे काफ़ी सारे किचन टिप्स और इजी स्नैक्स आइडियाज़, लंच रेसिपी, राइस रेसिपी लेके मैं आगे अलग अलग आपके लिए डिशेस अपलोड करने वाली हूँ। सो बाय गाइज़।